जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ONGC अप्रेंटिसशिप 2019 मेरिट लिस्ट के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से ONGC की अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट जारी होनी शुरू हुई है, मैं तब से आपको लगातार इसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ और जिस भी जगह की मेरिट लिस्ट अपडेट हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग इसके बारे में अपडेट जानने के लिए सवर है, तो शायद मैं चाहता हूं उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे कमेंट देखने को मुझे जो पुरानी वीडियो मैंने डाली थी उसके ऊपर मिले, जिसमें कि मुझसे आपने पूछा है कि सर कट ऑफ क्या है और हमारी मेरिट लिस्ट कितनी रहेगी, यानी कि कितने के ऊपर हमारी मेरिट लिस्ट लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि ONGC ने कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाई है, इन्होंने डायरेक्टली वे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो हाई होगी या फिर जो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था वो अच्छा रहा होगा, इसलिए इन्होंने डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट किए हैं कैंडिडेट्स और इनका सिलेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि जिस हम इसको सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाई गई है, डायरेक्टली इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो पहले डेट्स जारी की गई थी उनके अकॉर्डिंग तो 4 अप्रैल 2019 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि इनकी तरफ से उन लोगों को जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी तरफ से कोई मेल आया है या मैसेज आया है। अगर आप में से कोई जो लोग सिलेक्ट हुए हैं आपके पास कोई मेल आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या मैसेज आया है तो आप मुझे इस वीडियो में भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हम सिलेक्ट भी हो चुके हैं लेकिन हमारे पास अभी तक ना ही कोई मैसेज आया है और ना ही कोई मेल आई है। तो अभी अगर आपके पास मेल या मैसेज आया है, क्योंकि जो पहले डेट्स जारी हुई थी जैसा कि आपने देखी होगी उसमें बोला था कि 4 अप्रैल 2019 को जो लोग सिलेक्ट हुए होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो कि इसमें लास्ट प्रोसेस है, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर जाते हो तो आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा और 15 अप्रैल को आप अपॉइंट भी हो जाओगे जो भी आपकी जॉब है। और आपका एक सवाल और था कि सर इसमें सैलरी कितनी दी जा रही है, तो भाई इन्होंने पहले भी नहीं बताया था कि जब भर्ती अनाउंस की थी कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, और अभी तक भी इन्होंने ये नहीं बताया कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको कितनी सैलरी पर मंथ दी जाएगी और जो ये भर्ती है ये परमानेंट रहेगी या फिर टेम्परेरी है। तो दोस्तों जैसे ही जो लोग अभी सिलेक्ट हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार कर जाते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 15 अप्रैल बहुत पास है और आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप परमानेंट रहोगे या फिर आप टेम्परेरी हो। अब मैं आपको यहां पर आता हूं एक बार फिर से और मेरिट लिस्ट यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों अभी तो बहुत सारे जो स्टेट या रीजन है उनकी जो मेरिट लिस्ट यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, लेकिन जो बाकी रह गई है आना वो है मुंबई, हाजिरा, अंकलेश्वर, चेन्नई, कराईकाल, अगरतला, कोलकाता विल बी पब्लिश शॉर्टली, यानी कि सिर्फ इन जगह की जो मेरिट लिस्ट या आप इसको सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट बोल सकते हो आना बाकी रह गई है। बाकी जितनी भी जगह से आपने फॉर्म फिल किया था आप यहां पर देख सकते हो, देहरादून, OVL, दिल्ली, जोधपुर, गोवा, अर्बन, कैम्बे, वडोदरा, अहमदाबाद, महसाना, इन सभी जगह की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है वो अपडेट कर दी गई है और ये लिंक काम कर रहे हैं। जैसे ही आप इन लिंक पर काम क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF फाइल खुल जाएगी और आप उस PDF फाइल में अपना नाम या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो, और अगर आपका उस लिस्ट के अंदर नाम है तो इसका मतलब यह है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं और आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड से गुजरना है। अगर आप वो भी क्लियर कर जाते हो तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाओगे। तो जो अभी इन जगह के मेरिट लिस्ट अपडेट नहीं हो, जिसमें कि मैंने अभी आपको ये जगह के नाम बताए हैं जैसे कि मुंबई, हाजिरा, कोलकाता, तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सर कब तक आएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आज शाम तक इन सभी की जो मेरिट लिस्ट या आप सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप घंटे दर घंटे यानी कि होवर वाइज होवर इस वेबसाइट पर विजिट करते रहे। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और चेक करते रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक बार में सभी जो रीजन है या स्टेट है इनकी लिस्ट जारी कर दी थी, ऐसा नहीं है, सभी की टाइम टू टाइम की है और सभी की अलग अलग टाइम की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहे और रिफ्रेश करके देखते रहे कि हमारी जगह की जहां से आपने फॉर्म फिल किया है या आप जहां से आप चेक
करना चाह रहे हैं कि वो लिस्ट अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबसे जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।